क्या जनवरी 8 से कतर में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह सब बहुत भाई ने बार बार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कतर गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है। उस अपडेट पढ़ के बहुत सारे भाई का इस तरह सा कमेंट आ रहा है, जनवरी 8 तारीख से कतर में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह सा बहुत भाई ने कॉमेंट कर रहे हैं। और ये भी बहुत सारे भाई ने कॉमेंट करे कि 8 तारीख से फ्लाइट क्लोज हो जाएगा, इंडिया के लिए फ्लाइट क्लोज हो जाएगा। बहुत सारे भाई श्रीलंका का भी है, वो भाई भी बोल रहे हैं क्या श्रीलंका का फ्लाइट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत भाई ने बार बार कमेंट कर रहे हैं। आखिर जो कतर गवर्नमेंट तरफ से अपडेट आया है, एक्चुअली उस अपडेट में क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा 8 तारीख के बाद कतर का फ्लाइट क्लोज होने वाला है क्या, कतर में लॉकडाउन होने वाला है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कतर में जो कोरोना वायरस का न्यू केस में जो बढ़ती दिख रहे हैं, न्यू केस जितना तेज से इंक्रीज हो रहा है उसमें बहुत सारे भाई का डाउट हो रहा है, और उसका पर कतर गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट भी आया है। अगर ये वीडियो कम्प्लीट देखेंगे तो आपको थोड़ा सभी डाउट नहीं रहेगा, जनवरी 8 तारीख से क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिस आपको मिलता रहेगा। तो जो भाई बार बार कॉमेंट कर रहे थे कतर का फ्लाइट क्लोज हो गया है, देखो कतर का फ्लाइट क्लोज नहीं हुआ है, ऐसे सारे कंट्री के लिए कतर का फ्लाइट अभी भी ओपन है, लेकिन फ्लाइट कभी भी क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि कतर में जो कोरोना वायरस जितना तेज से बढ़ रहे हैं कभी भी फ्लाइट क्लोज हो सकते हैं, कभी भी कतर में पूरी तरह से लॉकडाउन देख सकते हैं। कतर न्यूज का जो ट्विटर हैंडल है, ये जो ट्विटर हैंडल है कतर न्यूज बोल के जो ट्विटर हैंडल से ये न्यूज आया है, तो इससे ट्विटर हैंडल से न्यूज आया है। इस न्यूज के मुताबिक कतर में 8 तारीख से ये जो रेस्ट्रिक्शन लाएगा 8 तारीख से, तो यही रेस्ट्रिक्शन जब तक दूसरा कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक ये रेस्ट्रिक्शन चालू रहेगा। जो रेस्ट्रिक्शन लगा है तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा है, तो पहले एक चीज आपको क्लियर कर दो, वर्कर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। जियो साइट में जितना सारे आदमी काम कर रहे थे पूरा आदमी कर सकते हैं, क्या कंपनी आपको कैंप में बैठा के रखेगा इस तरह से नहीं रखेगा, क्योंकि पूरा आदमी का अलाव है काम करने का, आप वर्क प्लेस में आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, वो शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे वर्कर अगर एक साइट में काम कर रहे तो 15 आदमी एक साथ मीटिंग कर सकते, 15 आदमी से ज्यादा एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते, वो भी 15 आदमी वैक्सीन होना चाहिए तभी मीटिंग कर सकते एक साथ। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन फिर लागू हो गया है। जो नॉन वैक्सीन वाला है, जो नॉन वैक्सीन अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, वो भाई के लिए बार बार रेपिड टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो म्यूजियम लाइब्रेरी फुल्ली खुला रहेगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप जा सकते, इसमें कोई भी आदमी जा सकते, लेकिन उसको वैक्सीनेट होना चाहिए तभी ये सारे जो म्यूजियम बोले के लाइब्रेरी बोले जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो भी ओपन रहेगा, फुल कैपेसिटी के साथ ओपन रहेगा। म्यूजियम में जा सकते, लाइब्रेरी में जा सकते, लेकिन आपको वैक्सीनेट होना चाहिए तभी एंट्री कर सकते। उसके बाद जो शॉपिंग मॉल है तो शॉपिंग मॉल भी खुला रहेगा, लेकिन 75% आदमी का एक्टिविटी रहेगा। और जो मॉल के अंदर जो खाना पीने का जो सेक्शन है, जो खाना पीने का जो जैसा आप होटल का जैसा है मॉल के अंदर, तो वो सारे सेक्शन में 30% आदमी का से अलाव है, 30% भी ज़्यादा आदमी का एक साथ अलाव नहीं है। जो सेकंड फेज में जो रेस्ट्रिक्शन था वही रेस्ट्रिक्शन फिर लागू हो गया है। उसके बाद जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी खुला रहेगा, वो 75% एक्टिविटी के साथ खुला रहेगा। ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन लागू होगा कब से लागू होगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन 8 जनवरी से लागू होगा, और जब तक दूसरा कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक यही रेस्ट्रिक्शन लागू रहेगा, यही रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा जानकारी मिल गया है, कतर का जो न्यू जो रेस्ट्रिक्शन लागू हुआ है और रेस्ट्रिक्शन कब से लागू होगा वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है, और बहुत सारे भाई ने जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट का भी रिप्लाई आप लोगों को मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।